किसान की मुस्कान, खेत किसान। जी हाँ किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खेत और खलिहान पे। आज हम आपको धान का गंधी बग, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। इसे कोई कीट भी कहता है और कोई बीमारी भी। इसके कई नाम भी हैं, जैसे गंधी बग, मक्खी, रस चूसने वाली मक्खी इत्यादि के नाम से इसे लोग जानते हैं। जैसा कि देखेंगे आपकी भारत में इसका प्रकोप बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। अब हम इसको पहचानेंगे कैसे। ये लगभग 15 mm का होता है। इसकी टांगे आप देखेंगे बहुत अधिक लंबी होती हैं। युवावस्था में इसका रंग गहरा होता है और प्रौढ़ होने पर यह भूरा हो जाता है। इसके प्रकोप की अगर बात करें तो यह धान को उस समय भारी नुकसान पहुंचाता है जब उसमें दाना बनने लगता है। यह दाने का दुधिया रस जो होता है उसको ये पी जाता है और दाना तिनके के समान बना रह जाता है, जिसे आप इस चित्र में भलीभांति देख सकते हैं। अब हमें इसके उपचार के बारे में जानना है। इसका उपचार बहुत ही आसान है। आपको सुबह सुबह इसकी रोकथाम के लिए मालाथियान 5% धूल पाउडर, ये पाउडर में आता है, जिसका 2.75 किलोग्राम मतलब 3.25 kg प्रति कट्ठा बालियों में फूल आते समय प्रातःकाल या सायंकाल में आप हवा बंद रहने पर इसका छिड़काव करें। इसका छिड़काव डस्टिंग मशीन के द्वारा किया जाता है। ये 100% मैं कहता हूँ 100% ये काम करता है। फिर वही पुरानी बात, मेरे बताए हुए दवा को आप एक कट्ठे आधे कट्ठे में इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।